माझं सोलापूर न्यूज चॅनल। सोलापूर MIM वतीने बुधवारी रात्री छत्रपती शिवाजी महाराज रंगभवन हॉल येथे संकल्प मेळावा आयोजित करण्यात आला होता। नांदेड येथील मोईन सय्यद संकल्प मेळाव्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। सोलापूर शहर प्रमुख फारूक शाब्दी यासह MIM सर्व पदाधिकाऱ्यांनी भाषण करत भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर टीका केली। फारूक शाब्दी यांनी भाषण करताना विधान परिषद सदस्य गोपीचंद पडळकर आणि प्रसाद लाड यांच्यावर सडकून टीका केली। सोलापुरातील एका मशिदीचा ज्यावेळी विधान परिषदेत उचलला जात होता त्यावेळी सोलापुरातील विद्यमान आमदार मुख गिळून गप्प का होते। काँग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे यांनी याबाबत आस्था गायत एक शब्द देखील प्रतिक्रिया दिली नाही। महाराष्ट्र राज्यात MIM बी टीम म्हणणारे आज भाजपच्या मांडीवर जाऊन बसले। राज्यातील राजकीय परिस्थिती विदारक झाली आहे, कारण आजच्या घडीला काँग्रेसला, राष्ट्रवादीला आणि शिवसेनेला मतदान जरी केले तरी ते आपोआप भाजपला जाईल। काँग्रेसचे व राष्ट्रवादीचे अनेक नेते MIM भाजपची टीम म्हणत होते, तेच नेते आज भाजप बरोबर गेलेत। संकल्प मेळाव्यातून फारूक शाब्दी यांनी भाजपला धुतलं। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन इम्रान हाफिज यांनी केले, प्रस्तावना कोमारू सय्यद यांनी केली। यावेळी नगरसेवक गाझी जहागीरदार, नगरसेवक नसीम खलीफा, नगरसेवक अजहर हुंडेकरी, दौला कुमठे, इलियास शेख, इकबाल पठाण, नासिर मंगलगिरी, सलमा सय्यद, नसीमा कुरेशी, अनिसा मोगल, अनिसा डोका, युवाध्यक्ष मोहसिन मैंदर्गीकर, शोहेब चौधरी, इरफान दावन्ना, हरीस कुरेशी, इसामुद्दीन पिरजादे, जावेद शेख, जुबेर शेख, अशफाक बागवान, वसीम शेख, कम्मो शेख, इम्रान हवालदार, सरफराज शेख, अजहर कोरबू, फारूक शेख, सलीम बेलिफ, अनिस निटोरे, बशीर सय्यद, नदीम डोनगावकर, जावेद वास्तव, मुश्ताक कानकुर्ती, मच्छिंद्र लोकेकर, विक्रम वाडेकर, सरफराज शेख, मुजम्मिल वड्डो, मुसद्दीक शेख, मजहर कोरबू, अनेक कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन टू इलेक्शन कैंपेन नहीं करती, इलेक्शन टू इलेक्शन संकल्प मेलावा नहीं लेती, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 24 घंटे साल के 365 दिन अवाम के दरमियान में रहकर काम करती है। इसीलिए आप गौर करो कि जब कभी भी, चाहे कोरोना काल हो, चाहे यहाँ पर आपके उर्दू घर का मसला हो, जितने मसाइल हैं, शहरी मसाइल है, बल्दी मसाइल है, उन सब पर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन आवाज़ उठाती है और हर वक्त अवाम के दरमियान में रहकर काम करती है। आगामी लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार सोडणार आहे महाराष्ट्र मध्ये, वो तो पार्टी हाईकमान तय करेंगे, अलहाज बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब तय करेंगे और उसी के बाद उस पर अमल होगा। सोलापुरात काय हे असेल MIM भूमिका? माशाल्लाह, फारूक शाब्दी साहब की क़ियादत में आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सर है, ये जो लोग हैं यहाँ पर संकल्प मेलावा में, ये जो आपका हॉल था, ये हॉल ये बता रहा था कि यहाँ पर ये जगह नाकाफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग थे उनके अंदर जोश व खरोश था और वो सब चाहते थे कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर जमात बने, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से लोग कपड़े बदलते हैं और ख़ास तौर से हमारे मोदी जी एक दिन में तीन तीन लिबास बदलते हैं, वैसे यहाँ के सियासतदान, यहाँ के लीडरान कभी शिवसेना से निकलकर BJP में जा रहे हैं, कभी कांग्रेस से निकलकर BJP में जा रहे हैं, कभी NCP से निकलकर जा रहे हैं शिवसेना में। तो ये ऐसा खेल चल रहा है, कपड़े बदलने का खेल। तो इस सियासत से लोग आजिज़ आ चुके हैं, लोग बज़न हो चुके हैं, लोग थक गए हैं। तो लोग चाहते हैं, मुसलमान और दलित और OBC चाहते हैं कि हम ओवैसी साहब के पीछे जाएं, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जाएं। कौन सा नेता कपड़े बदलते? कितने लीडर है? मैं जिस शहर से आया हूं वहां से देख लीजिए, अशोक चौहान ने कांग्रेस को छोड़ा, कांग्रेस को छोड़कर BJP में गया। राणे का परिवार जिस ज़माने में सेना में था, फिर NCP, फिर राष्ट्रवादी, फिर उसके बाद कांग्रेस, अब BJP। कितने ऐसे अनगिनत नेता हैं जिन्होंने यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ बंदरों की तरह कुलाटी खाई और अपनी पार्टी को छोड़कर सलाम दुआ करके निकल गए। सर, राज्यात मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरलेली आहे, मुस्लिम आरक्षणाची देखील मागणी आहे, परंतु तुम्ही भाषणामध्ये एक शब्द देखील बोलला नाही मुस्लिम आरक्षण काय आहे। ये संकल्प मेळावा था पार्टी के नौजवानों के लिए, पार्टी के लोगों के लिए। हम चाहते थे कि हमारे पार्टी के लोग संकल्प लें, एक अहद ले, एक अज़म ले, वरना आपने देखा कि ऐवान असम्बली में, ऐवान पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम रिजर्वेशन पर सिर्फ मजलिस बोलती है, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं।
और कोई नहीं बोलता। यहाँ पर भी आप ऐवान असेंबली में देखेंगे, सबसे पहली आवाज़ अगर किसी ने उठाई थी तो डॉक्टर फारूक शाह ने उठाई थी। सबसे पहली आवाज़ ऐवान असेंबली में हमारे MLA इस्माइल साहब ने उठाए थे, मुफ्ती इस्माइल साहब ने उठाए थे, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चलो मुंबई का नारा देकर रिजर्वेशन के लिए पहली यात्रा अपनी की थी। तो सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी ने की तो कांग्रेस, वो पार्टी जो मुसलमानों को ये कहती है कि हम तुम्हारे हैं, ना उसने उठाई, ना शरद पवार की पार्टी जो मुसलमानों के सिर्फ वोट लेना जानती है उसने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मजलिस ने आवाज़ उठाई थी। ये बात और है कि हमारी आवाज़ को ऐवान असेंबली में उठाया नहीं गया, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह मराठा रिजर्वेशन के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था, वैसे ही स्पेशल सेशन मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए भी बुलाया जाए। सिर्फ मुसलमान महाराष्ट्र का NCP और कांग्रेस को वोट देने के लिए पैदा नहीं हुआ है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, नौकरियों के अंदर और उनकी तालीम के अंदर हमको रिजर्वेशन मिले, इसके लिए कांग्रेस और NCP की भी जिम्मेदारी है कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें जिस तरह से मजलिस ले रही है। समझदार को इशारा काफ़ी है, किसी का नाम लेके मैं वो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने लोगों को इनको अलर्ट रहने के लिए कहा हूँ, क्योंकि जितना भी समझा लो ये समझने वाले नहीं है, तो जो गधे हैं उन तक बात पहुँच चुकी है। तुम्हें गोपीचंद पडळकर ने प्रसाद दाड़वा ने शासन का है नेमक, गोपीचंद पडळकर ने थे सोलापुर, हमारे सोलापुर का मुद्दा उनको क्यों उठाने का है? हमारी लोकल MLA है, अगर ऐसा कुछ मुद्दा है तो वो उठा सकते हैं। हमारी तकलीफ यही है कि अगर कोई बाहर का MLA हमारे सोलापुर के मुद्दे को उठाता है तो उसका जवाब देने के लिए यहाँ की जनता ने जिनको चुन के दिया है उनकी जिम्मेदारी होती है, वो चाहे कांग्रेस की आमदार हो या हमारे नॉर्थ के और साउथ के जो BJP के आमदार है उनको जवाब देना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि जहाँ हमारी बात आती है वहाँ जवाब देने वाला कोई नहीं होता है, सारे गूंगे हो जाते हैं। तुम्हें क्या संदेश दल गोपीचंद पडळकर ने प्रसाद लाल? मैं देखो, मैं तो बहुत छोटा सा एक सिपाही हूँ मजलिस का, मेरे पास कुछ ताकत नहीं है। जो संदेश दे सकते थे उनको बराबर से जवाब दे सकते थे हाउस में, उन्होंने ही संदेश नहीं दिए। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट जो है, ये जैसे कि मैंने मालूमात लिया हूँ, ये कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो कोर्ट को डिसाइड करने के लिए छोड़ देते, ना कि ये पोलराइजेशन करने का काम, हिंदू मुस्लिम करने का काम ये लोग जो कर रहे हैं वो ना करना चाहिए। अजून सत्य अत्येक बोलने लगे कि अजून सुधा मुझे विश्वास वाटत नाही की कोण लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर कोण पण भाजपमध्ये जाईल, कोण जाईल? आपको विश्वास है? कौन जाना जो ऐसे हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो कभी भी आज कोई अलग पार्टी में, कल कोई दूसरी पार्टी में दिखेगा, और यही आएगा कि ED CBI लग गई, तो वेट एंड वॉच करते हैं। प्रणिती शिंदे भाजपमध्ये जाऊ दे किंवा काँग्रेसमध्ये जाऊ दे, लोकसभेला ते जाणार आहेत, मग मध्येचा वाट आपोआप आपल्याला मोकळी होईल। नहीं नहीं, देखिए मैं जब इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि सामने कौन है, मुझे लड़ना है, इसीलिए हम लोग तैयारी शुरू किए हैं और मैं अच्छे से लड़ूंगा। वो सामने प्रणिती शिंदे आए या भाजपा से देवेंद्र फडणवीस जी आए, मुझे लड़ना है, मैं तो लड़ूंगा, बाकी मेरी जनता है, वो जनता डिसाइड करेगी कि मेरे साथ क्या होना चाहिए। उम्मीदवार मुस्लिम दिला कांग्रेस ने तो क्या करना मध्यम, कारण बहुसंख्यक तो आवाम तय करेगी ना, फिर जिसको देना है। देखिए हर पार्टी को अपना अपना अधिकार है अपना अपना उम्मीदवार चुनने का, तो अगर वो किसको देना है वो उनका इख्तियार है, उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं मेरी तैयारी पूरी करूंगा और पूरे जोर से इलेक्शन लड़ूंगा। संकल्प मेळावा इतना अजून तुम्ही अजून काय काय दुसरे मेळावे घेणार सोलापुर विधानसभा लोकसभा? सब आज ही पूछ लेंगे, तो कुछ तो सस्पेंस रहने दो। माझं सोलापूर न्यूज चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। माझं सोलापूर न्यूज चॅनल।